तो सिर्फ ये इन लोगों की वजह से यहाँ पे आधे घंटे जाम लगा हुआ है, इसलिए आधे घंटे से हम लोग फंसे हुए डाबड़ी मोड़ पे सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये देखो भाई इन लोगों की साइड उस साइड है फ्लाईओवर के, फ्लाईओवर भी देखो जाने वाला है, लोग ऊपर से जा रहे हैं फिर भी सारे के सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, एम्बुलेंस का चलता है, सारी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड है, स्कूल बसेस मेन है इस ट्रैफिक का रीज़न। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing absolutely fine in your life. Let's start today's video. Today is 27th of Feb 2019. Right now, Harsh is riding my bike and I am as a pillion, vlogging as a pillion right now. बच्चे को टाइम है, बच्चे सारे देख रहे हैं भैया कर क्या रहे हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे होंगे एक के आसपास, अभी हम लोग जा रहे हैं रोहिणी। रोहिणी में पहले मुझे एक काम है, वहाँ से जाना है राघव के घर पर, शाम को भी काम निपटा रहे हैं। ओ भाई साहब भंडारा, तो चलते हैं और रास्ते में कुछ शॉट दिखाते हैं आपको, आप क्या करो। A few moments later, ये मैडम आके ठोकती है, हेलमेट क्या है आप लोगों का? हाँ जी, अरे आपने ईयरफोन लगा रखा है, हेलमेट क्या है आपका? मैडम अभी नंबर थाने में जाएगा, ठीक है घर पे देख लेना। DL4SCP08293। लोग हेलमेट लगाते नहीं, दूसरों को भिक्षा देते हैं। सो गाइस टुडे इज़ फर्स्ट ऑफ फेब। सबसे पहले तो बता दूँ पीछे टीवी चल रही है, टीवी पे सबसे पहले आप सुनिए क्या चल रहा है। वही दरवाजा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है। आई एम वॉचिंग आज तक, और आज तक में वही चल रहा है अपने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में। सबसे पहले तो जय हिंद, अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ आवर सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज को जो हमें इतना सर्व कर रहे हैं, हमारे लिए बॉर्डर पर बैठे होते हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो उन लोगों की जगह कहीं और नहीं, उन लोगों की जगह यहाँ है, ठीक है जी। उनके लिए हमारे पास वर्ड्स है ही नहीं, नो वर्ड्स। तो इस यहाँ से बड़ी कोई जगह हो नहीं सकती, सो बस वो लोग यहाँ हैं। और जय हिंद, अ बिग सैल्यूट टू देम एंड फॉर हर और हिज फैमिली मेम्बर्स। सो गाइस ये पॉइंट यहाँ पे स्किप करते हैं, ये पॉइंट तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसके बारे में जितनी बातें करो उतनी कम पड़ती हैं। सो लेट मी फिनिश दिस पॉइंट हियर। और अभी बात करते हैं 2 से 3 दिन पहले जो वाक्या मेरे साथ हुआ। हर्ष है नहीं, वरना आपको उसी के मुंह से सुनवाता कि क्या क्या हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज कर सकते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, जो भी मैं बोलने वाला हूँ सच ही बोलने वाला हूँ। सो अभी हुआ क्या था, मैं और हर्ष थे जनकपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर मेट्रो के नीचे, और वहाँ से एक सामने से एक लेडी लाइक आंटी थी बूढ़ी, वो क्रॉस कर रही थी रोड, उनके लिए हमारी साइड वाली गाड़ी भी रुक गई, इधर वाली बाइक वाला रुका हुआ था। और आंटी को मैंने ही हाथ दिखाया, आंटी आप पहले क्रॉस कर जाइए, हम लोग बाद में चले जाएंगे। सो आंटी जब रोड क्रॉस कर रही थी, आंटी ने रोड क्रॉस किया, हम लोग बस चले ही थे कि पीछे से जुपिटर आके हमें हिट कर देती है। बाइक के राइट साइड में एग्जॉस्ट की साइड जुपिटर हिट करती है, और वो जो दो मोहतरमाएँ थी रॉयल वैन कलर की जुपिटर पे, उनके वर्ड्स देख के नहीं चला जा सकता, फक ऑफ, ये वर्ड्स थे उनके, उन मोहतरमा के। उस टाइम अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑफ था, मैं नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑन रखूँगा, जहाँ पे भी बाइक पे रहूँगा ट्राई करूँगा कि ऐसी चीज़ें भी रिकॉर्ड हों। तो उसके बाद जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, मैं उनके साइड में गया, सबसे पहले तो मैंने बोला जी हेलमेट क्या है आप लोगों का, ऊपर से आपने ईयरफोन लगाया हुआ है। ईयर चले इतना बोला, ठीक है यार। सबसे पहली बात, वो दो फीमेल्स थी, गर्ल्स थी, और हम दोनों बॉयज़ थे। अगर मैं वहाँ पे कुछ भी बोलता तो आसपास के लोग या वो भी बोल सकती थी कि ये बदतमीजी कर रहे हैं। सो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता था, जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अपोजिट आ जाती, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं, रोका नहीं उनको, चले आगे। जैसे चले मैंने नोटिस किया उनकी उनकी स्कूटी पे नंबर नहीं है, भाई साहब आगे वाली नंबर प्लेट टूटी हुई है, हेलमेट उन लोगों के पास नहीं, ठीक है, ईयरफोन उन लोगों ने लगाए रखे, हिट वो हमें कर रही हैं, गाली भी वो हमें दे रही हैं। मैडम अगर देख रही हो तो आप बता दो चाहती क्या हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहाँ आपको बता दूंगा मैं, वहाँ तो मैंने बहुत इज्जत की आपकी, ठीक है।
जहाँ जो बंदा गलत है वो है, जहाँ जो सही है वो सही है, उसमें मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं होता। आप ही लोग बोलते हो कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बराबर हैं, सो गाली खाने में बराबर होना चाहिए और रेस्पेक्ट पाने में बराबर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलती थी। ठीक है, खुली वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को चीज़ बुरी लग रही है तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसी कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कहीं पे आपको कोई गाली दे फालतू में, वो भी आपकी गलती ना हो तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सिनेरियो था उस टाइम का। फिर मैंने हर्ष ने भी बोला यार छोड़ चल आगे चलते हैं, मैं राघव के घर की तरफ निकल गया। तो ये थी पूरी चीज़। अब बस एक ही चीज़ बताऊँगा आप लोगों को और आपको भी मैडम, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वियर योर हेलमेट, ईयरफोन, गाने सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। आप फीस छिपा रही थी, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मीडिया कि आप में फेम लाइट आ रही है, भाई मेरा चेहरा ना दिखाओ, ये मत करो वो मत करो। ठीक है, सो प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ थिंक अबाउट द क्या बोलते हो उसे, सेफ्टी ऑफ अदर गाइज। ठीक है, और किसी को ऐसे हिट मत करो, ब्रेकिंग पे ध्यान रखो। आप लोगों को पैर लगा के ही रोकना होता है मैक्सिमम लेडीज़ को, मैं तो सीधा बोलता हूँ, बहुत सारी लेडीज़ पैर लगा के रोकती हैं। पहले चलाना सीखें और फिर रोड पे निकलें, अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के बारे में प्लीज़ ध्यान रखें। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑलवेज वियर योर हेलमेट, ऑलवेज वियर राइडिंग गियर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइस।